क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन मिस्टर राजीव एक सेल्स ऑफिसर हैं कंपनी में वाराणसी में जहां पे आ, उनका पूरा सैलरी का कैलकुलेशन दिया हुआ है बेसिक सैलरी है उनका पच्चीस हज़ार पर मंथ ईअरेंस अलावेंस पचास परसेंट ऑफ बेसिक सैलरी और ट्रांसपोर्टेशन अलावेंस है अट्ठारह सौ रुपये पर मंथ और चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस है दो बच्चों का है आ, तीन सौ पचास रुपये पर मंथ पर चाइल्ड एक बच्चे का तीन सौ पचास बता दिया गया और टोटल दो बच्चे उनके और वो अपने बच्चों के पीछे दस हजार रुपये उनके ट्यूशन फीस में खर्च कर रहे हैं कंपनी उनको प्रोवाइड कर रही है रेंट फ्री हाउस जिसका रेंट है सत्तर हजार रुपये और कंपनी उन्हें प्रोवाइड कर रही है एनिमिटी ऑफ फ्री लंच और फ्री रिफ्रेशमेंट इन ऑफिस लंच जो होता है वो पचास रुपये पर डे तक एग्जाम्ट होता है और रिफ्रेशमेंट पूरा एग्जाम्ट होता है तो रिफ्रेशमेंट का हम कुछ भी नहीं लेंगे लंच का साठ रुपये बोला है तो पचास एग्जाम्ट हो जाएगा मतलब दस रुपये उसका एक दिन का टैक्सेबल होगा और रिफ्रेशमेंट पूरा का पूरा एग्जाम्ट हो जाएगा तीन सौ दिन के लिए कैलकुलेट करना है साथ में उनको लैपटॉप दिया गया है साठ हज़ार रुपये का पर्सनल और ऑफिस यूज़ के लिए तो जब भी यूज़ के लिए बोला जाएगा अगर ट्रांसफ़र बोला गया है तो वो टैक्सेबल होता है बट अगर यूज़ के लिए बोला गया है तो वो फुल्ली एग्जाम्ट हो जाता है लैपटॉप और यहाँ पर उन्हें कार ट्रांसफर किया गया है यहाँ पे ट्रांसफ़र वर्ड दिया है यानी कि बेचा गया है तो फिर आ, हमको इसका डेप्रिशन कैलकुलेट करना पड़ेगा और कंपनी कंट्रीब्यूट कर रहा है पंद्रह परसेंट ऑफ़ इस सैलरी एंड डियर इंस अलावेंस सिर्फ सैलरी और डीए का पंद्रह परसेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट भी दिया जा रहा है टेन परसेंट के हिसाब से नाइन पॉइंट फाइव परसेंट तक एग्जैम्ट होता है तो साठ हज़ार उनको मिल रहा है इस हिसाब से शी ही रिसीव एरियर ऑफ सैलरी यानी कि जो सैलरी उन्हें नहीं मिली थी पिछले बार वो अभी उनको मिल रही है तो ये पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाता है चालीस क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन कम्पटिशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी बेसिक सैलरी आ जाएगा पच्चीस हजार इंटू बारह करेंगे तो तीन लाख डियर एंस अलावेंस आ जाएगा तीन लाख का पचास परसेंट एक लाख पचास हजार ट्रांसपोर्टेशन अलावेंस एक एक अस्सी सॉरी अट्ठारह सौ इंटू बारह तो आ जाएगा इक्कीस हजार छः सौ चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस तीन सौ रुपये तीन सौ पचास रुपये था पर चाइल्ड तो सौ रुपये एग्जाम होता है इसलिए सौ माइनस किया दो बच्चों का था इसलिए दो इंटू करके पूरे साल भर का निकाल लेंगे तो आ जाएगा छः हजार रुपये रेंट फ्री अकोमोडेशन इसका कैलकुलेशन होगा इसके लिए सैलरी का फार्मूला है बेसिक प्लस डी स्पेशल प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंस बेसिक था उसका तीन लाख रुपए का डीए था उसका एक लाख पचास हजार का और इक्कीस हजार छः सौ का उसका ट्रांसपोर्टेशन अलावेंस था और छः हजार उसका एजुकेशन अलावेंस था तो यहाँ पर सबका टोटल करेंगे तो आ जाएगा फोर एक्चुअल अमाउंट पे कर रहे हैं सत्तर हज़ार रुपये रेंट हाउस के पीछे और पंद्रह परसेंट ऑफ सैलरी निकाल लेंगे तो सैलरी ये है सैलरी का पंद्रह परसेंट निकालेंगे तो आ जाएगा सेवेंटी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी इन दोनों में से लोअर है सेवेंटी थाउजेंड इसलिए सेवेंटी थाउजेंड टैक्सेबल हो जाएगा तो हमने यहाँ पे सेवेंटी थाउज़ेंड लिख दिया अब फ्री लंच लंच में पचास रुपये एक्जैम्ट होता है तो साठ में से पचास माइनस किया तो आ गया तीन सौ रुपये यानी कि यहाँ पे तीन हज़ार रुपये आ जाएगा दस इंटू तीस करेंगे तीन सौ करेंगे तो तीन हजार आ जाएगा रिफ्रेशमेंट पूरा एग्जाम होता है लैपटॉप यूज वर्ड दिया गया था अगर ट्रांसफर होता तो कैलकुलेशन होता लेकिन यूज के लिए बस बोला गया है इसलिए एग्जाम हो गया ट्रांसफर ऑफ कार इसका कैलकुलेशन होगा कॉस्ट ऑफ कार, कार का कॉस्ट था पांच लाख और इस पर डेप्रिशन लगता है पच्चीस परसेंट कार डी वी यानी कि जो बैलेंस अमाउंट आते जाएगा बैलेंस मेथड से इसमें कैलकुलेशन होगा तो बैलेंस आएगा उसके ऊपर डेप लगेगा तो यहाँ पे पांच लाख था पांच लाख का पच्चीस हजार आ गया एक लाख पच्चीस हजार पाँच में से एक लाख पच्चीस हजार माइनस करेंगे तो आ जाएगा तीन लाख पचहत्तर हजार अब इसका पच्चीस परसेंट निकालेंगे तो आ जाएगा नाइन्टी थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी अब इसमें से ये माइनस कर देंगे तो आ जाएगा टू एटी वन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी Uh, फिर जो एम्प्लॉय ने जो अमाउंट पेड किया है दो लाख पचास हज़ार वो हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा थर्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी यहाँ पर हमने सिर्फ दो साल का डैप कैलकुलेट किया है क्योंकि इसमें सिर्फ जो फुल ईयर रहता है उसका कैलकुलेशन होता है अगर दो चार मंथ या छः मंथ आठ मंथ नौ मंथ ग्यारह मंथ तक अगर ऐसे मंथ में है तो हम उसको पूरा छोड़ देते हैं मतलब पार्ट ऑफ ईयर जो रहता है वो पूरा इग्नोर करना होता है जो फुल बारह मंथ का यहाँ पे कैलकुलेट होता है तो यहाँ पे सिर्फ दो साल का था इसलिए हमने यहाँ पे दो साल का डेप लगाया है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड आर ये थ्री इसमें टैक्सेबल होगा तो यहाँ पे इसका सैलरी का फॉर्मूला होगा बेसिक प्लस डी स्पेशल प्लस कमीशन स्पेशल बेसिक था तीन लाख और डी स्पेशल था उसका एक लाख पचास हज़ार इसका आ जाएगा टोटल चार लाख पचास हज़ार चार लाख पचास हज़ार का तीन परसेंट हम टैक्सेबल कर देंगे तो आ जाएगा आ, थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब इंटरेस्ट ऑन आर पी एफ साठ हज़ार का इंटरेस्ट मिला है दस परसेंट तो उसका रेट था तब और नाइन पॉइंट फाइव परसेंट था एक्जाम्ट होता है मतलब बचा सिर्फ जीरो पॉइंट फाइव तो इंटू कर देंगे जीरो पॉइंट फाइव से तो आ जाएगा तीन हज़ार ये इंटरेस्ट हो गया एरियर ऑफ रेंट था चालीस हज़ार सब का टोटल करेंगे तो आ जाएगा सिक्स लैख थर्टी एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी और इस ये ग्रॉस सैलरी है और इसमें डायरेक्शन देंगे अंडर सेक्शन सिक्सटीन स्टैंडर्ड डन पचास हज़ार का तो हमारा टेक्सीबल सैलरी आ जाएगा फाइव लेख एटी एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी